बेटा आज आपको मैंने कहा था मैं 60 नोट्स के अकॉर्डिंग रिवीजन कराऊंगा, आपके पास ये नोट्स हैं जिससे खोल कर बैठिए, या फिर आप जो है एनसीईआरटी किताब खोल करके बैठिए, ठीक है। पहले चैप्टर में क्या कंटेंट हैं उनको देखिए। तो पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है और इसको हम कैसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बेटा लाइफ स्पैन का, ठीक। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे होंगे, इस बात को ध्यान देना जरूरी होता है कि किस आर्टिकल से क्वेश्चन कौन से ज्यादा आ रहा है। लेकिन ये बात भी ध्यान देने की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो बेटा पहला आर्टिकल हमारा लाइफ स्पैन का है। लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, तो इस पर क्वेश्चन ये बनेगा, दो पॉइंट है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का निश्चित जीवन होता है। दूसरा पॉइंट बनेगा जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक के पीरियड को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन बनेगा क्या साइज पर लाइफ स्पैन डिपेंड करता है, तो कहेंगे नहीं, ठीक है ना। दो ऑर्गेनिज्म की सेम साइज होने पर लाइफ स्पैन डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट साइज होने पर लाइफ स्पैन सेम भी हो सकता है। जैसे क्रो एंड पैरेट का लाइफ स्पैन की बात करो, क्रो का जीवन 15 साल का और पैरेट का 140 साल का है लाइफ स्पैन, ठीक है। इसी प्रकार से मैंगो और पीपल की बात भी है। फिर बेटा नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हमारे, कुछ फिगर्स बने हुए हैं। जैसे कहेंगे 1 से 2 सप्ताह का लाइफ स्पैन बटरफ्लाई का है, 2 वीक का फ्रूट फ्लाई का है, 15 वर्षों का क्रो का है, 16 वर्ष का काऊ का है, 18 वर्ष के लिए डॉग का है, 60 ईयर्स क्रोकोडाइल का है, 62 वर्ष हॉर्स का है, 75 ईयर्स एलिफेंट का है, 140 वर्ष पैरेट का है, 100 से 150 साल के लिए टॉर्टोइज है। ये 10 एनिमल्स के लिए हैं। और राइस प्लांट का 3 से 4 महीने का है, जबकि रोज प्लांट का 10 से 15 साल का है और बरगद के पेड़ का 200 से 300 साल का है। दूसरा आर्टिकल बेटा यहाँ पर इमोर्टेलिटी का है, इमोर्टेलिटी का है। वैसे तो कोई भी चीज अमर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, हर चीज का विनाश होता है। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि अमर किसे कह सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अमरता की क्या डेफिनेशन है। कोई ऑर्गेनिज्म अमर नहीं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड होते हैं, उनमें 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं पैरेंट के कंपोनेंट से ही, और पीछे कोई अवशेष नहीं रहता है, यानी बिल्कुल ऑर्गेनिज्म न्यू और यंग हो जाता है, इसलिए इसे इमोर्टल कहा जाता है। फिर बेटा अगला आर्टिकल है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और उसके टाइम्स, ठीक, पेज बदल जाता है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन उसके टाइम्स, पेज नंबर 5 की बात है। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने नई संतानों को बनाता है, जिसे हम ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। क्या करैक्टर है, 2 करैक्टर इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला ये कि इससे स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है, और दूसरी है इसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है जो इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, नई स्पीशीज बनने के लिए आवश्यक है। फिर टाइप 2 प्रकार का है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हम लोग इसको बोर्ड पर नहीं उतारेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपैरेंटल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपैरेंटल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमेट बनेगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा, ना ही मियोसिस होगी, ना ही वेरिएशन होगा, जबकि ये चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होंगी। उसके बाद बेटा एक शब्द है क्लोन्स। क्लोन्स किसे कहते हैं, जब ये बात आएगी तो क्लोन्स किसे कहा जाता है, इसको कैसे बताओगे। क्लोन्स, क्लोन्स का मतलब है एक शब्द क्लोन है, एक शब्द गैमेट है, ठीक। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, और जो एक दूसरे से जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उनको क्लोन्स कहते हैं, उनमें सिंगल इंडिविजुअल को रेमेट कहा जाता है।
एक क्वेश्चन बेटा पेज नंबर 5 पर फिगर के नीचे बना हुआ है और वो ये है, उस किंगडम का नाम बताओ जो सिंगल सेल्ड हो और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। जवाब दोगे प्रोटिस्टा और मोनेरा। फिर क्वेश्चन आएगा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। जवाब होगा मेनली बाय डिफ्यूजन एंड आल्सो बाय बडिंग। यहां बडिंग का एग्जांपल हो जाएगा ईस्ट, बाय डिफ्यूजन में अमीबा है, पैरामीशिया। फिर क्वेश्चन होगा कि ईस्ट में जो बडिंग है कैसी होती, इक्वल या अनइक्वल, तो आपका जवाब होना चाहिए अनइक्वल बडिंग होती है। फिर क्वेश्चन है बेटा जो मैंने बताया था कि ईस्ट में अगर ये बड लगातार लगी रह जाती तो क्या बन जाता है, स्यूडो माइसीलियम कहा जाता है। ठीक है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ एग्जांपल फिगर बेस्ड है, पेज नंबर 6 पर ऊपर जाओगे और सबसे पहले ये कहोगे कि जो स्पोर्स किस में बनते हैं, तब आप जवाब दोगे क्लैमाइडोमोनास में। वो फिगर जो बना उस पर देखो, मैंने 5 पॉइंट बेटा लिखा है। ये मोस्ट कॉमन मेथड है, ये माइक्रोस्कोपिक मोर्टाइन स्पोर्स होते हैं। 5 पॉइंट मैंने लिखाए होंगे बेटा, नोट्स उठा कर देखना। ये स्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स है, माइटो स्पोर्स है, प्लेनो स्पोर्स है, एंड्रोजिनस ओरिजिन के हैं और हैप्लॉइड है। बगल में दूसरा फिगर बेटा बना है पेनिसिलियम में, रिप्रोडक्शन किसके द्वारा है, कोनिडिया के द्वारा है। पेनिसिलियम किस क्लास को बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज को। इनमें भी स्पोर्स के 5 पॉइंट है, पहला कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स है, माइटो स्पोर्स है, ए प्लेनो स्पोर्स यदि फ्लैजेला नहीं है, एक्सोजीनस है और हैप्लॉइड है। फिर बेटा नीचे हाइड्रा बना हुआ है, फाइलम सिलेटेटा का, इसमें बडिंग होती है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि स्टॉफ और गैस्ट्रिक रीजन के बीच में बडिंग होती है, जिसमें कि एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों ही लेयर की सेल्स इन्वॉल्व होती है। फिर चौथा फिगर बना बेटा जीमुल्स, जीमुल्स किस में बनते हैं, इनके 3-4 करेक्टर बताएंगे। पहला क्वेश्चन, जीमुल्स स्पंजेस में बनते हैं, इन्हें इंटरनल बड कहा जाता है, डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज में बनते हैं, इनमें जो सेंटर में होती है उन्हें हम लोग आर्कोसाइट्स कहते हैं, उनको घेरने वाली सेल्स अमीबोसाइट्स होती हैं और सबसे बाहर की ओर स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होती हैं, यानी कि स्पिकल्स होते हैं जो जीवन को घेरे रहते हैं। फिर उठा पेज नंबर 7 पर हम लोग चले जाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं फिगर के साथ। पोटैटो में किसके द्वारा होता है, ट्यूबर के द्वारा, जिंजर में, राइजोम, अगेब में, बल्बिल्स, ब्रायोफिला में, लीफ बड, इकॉर्निया में, ऑफसेट। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स पर भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, उनके कुछ नाम बताओ, रनर्स, राइजोम, शकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब्स, ये सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं। कुछ पॉइंट बेटा इकॉर्निया के हैं, जो बहुत अच्छा सा पॉइंट है, पेज नंबर 8 पर सबसे ऊपर आप पहुंचोगे इकॉर्निया के बोलने के लिए। तो क्या कहोगे इकॉर्निया के लिए, वाटर हाइकेट कहते हैं, टेरा बंगाल कहते हैं, एक्विटिक प्लांट है, फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, फ्रेश वाटर वाटर की बड़ी मुसीबत है, मोस्ट इन्वेसिव बीट है, स्टैंडिंग वाटर में रहता है, वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेता है, मछलियों की अधिकता में डेथ हो जाती है, इंडिया में इसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स और लीव्स के कारण ले आए थे हम, बहुत तेजी से वृद्धि करता है, कम समय में अधिक देर पहुंच जाता है, इससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। कई क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। फिर कुछ क्वेश्चन नीचे उसी पेज पर इकॉर्निया के नीचे उत्तर चले आओगे बेटा, कुछ पॉइंट लिखे हैं कि कुछ कल्टीवेटेड प्लांट्स के नाम बताओ, वहाँ पोटैटो प्लांट है, सुगर कैन है, बनाना और जिंजर डहलिया लिखा हुआ है, पोटैटो ट्यूबर किससे इमर्ज आउट होता है, तो बड लिखा है जिसे हम लोग आइस कहते हैं, बनाना और जिंजर किससे इमर्ज आउट होते हैं, राइजोम बेटा आंसर लगाना, ब्रायोफिलम किससे निकलते हैं, एडमिटिशियस बड से जो कि लीफ मार्जिन से निकलते हैं। एसेक्सुअल प्रोडक्शन का एक क्वेश्चन का पैराग्राफ दिया है, उसको जल्दी जनरली सभी लोग नजरअंदाज करते हैं, उसको जरा देखिए बेटा। एसेक्सुअल प्रोडक्शन ये कहा गया है कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन सेक्सुअल की कंपेयर में सिंपल होती है, एल्गी फंगाई में ज्यादातर
एसेक्सुअल प्रोडक्शन ही होता है, और एल्गी और फंजाई विपरीत परिस्थितियों के आने पर किस रिप्रोडक्शन को शिफ्ट होते हैं, एसेक्सुअल से सेक्सुअल में चले जाते हैं। फिर बेटा क्वेश्चन लिखा है, आखिर एल्गी और फंजाई विपरीत परिस्थितियों के आने पर एसेक्सुअल से सेक्सुअल में क्यों चले जाते हैं? तो बेटा वहां पर जायगोट बनने के बाद जायगोस्पोर बनता है जिसको थिक्वाल होती है, या जायगोट बनने के बाद उइस्पोर बनता है जिसके ऊपर थिक्वाल होती है, या जायगोस्पोर भी उइस्पोर भी दोनों डिप्लॉयड होते हैं और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों आने पर वो फिर जर्मिनेट होते हैं, मियोसिस होती है। इस प्रकार एल्गी एंड फंजाई में मियोसिस को हम लोग जायगोटिक मियोसिस भी कहते हैं। फिर बेटा पेज नंबर 8 पर ही सेक्सुअल रिडक्शन के बारे में क्वेश्चन कहा गया है। पहला क्वेश्चन, सेक्सुअल रिडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? आप जवाब कहोगे गैमिट फॉर्मेशन है, फर्टिलाइजेशन है, वेरिएशन है, मियोसिस है। एक क्वेश्चन हो एसेक्सुअल से ज्यादा इलेबोरेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, स्लो प्रोसेस है। इलेबोरेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन, सेक्सुअल प्रोडक्शन में बनने वाले ऑर्गेनिज्म ना तो आपस में दूसरे सिमिलर होते हैं, न ही वो पेरेंट्स से भी सिमिलर होते हैं। इस प्रकार से हम लोग अब इसके बाद हम लोग 9 पेज पर पहुंचते हैं जहां पर फेजेस ऑफ द लाइफ लिखी है। बेटा जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है उस बेसिस पर आप कहोगे तो प्लांट लाइफ स्पैन के बेसिस पर बेटा कितने कैटेगरी में बांटे गए हैं, तो आप उन्हें नाम देते हो। एक एनुअल प्लांट्स होते हैं बेटा, एक बाई एनुअल्स होते हैं, एक पेरिनियल्स होते हैं, पेरिनियल्स होते हैं, एक बेटा एफीमिनियल्स होते हैं। इस प्रकार से कितनी बताई मैंने, 4। इनका जीवन ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 वीक का होता है, वक्त 3 से 4 सप्ताह का होता है। बेटा ये 3 से 4 सप्ताह इनका, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बट कटैया कहते हैं, वो इसी में आता है ना, कि एलोप्लिकल्स जो होते हैं, एनिमल जो होते हैं, इनमें पहले वेजिटेटिव लाइफ होती है, फिर रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है। ये एक ही सीजन में अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। इसमें क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। ऐसे बाइनिमल्स होते हैं, इनमें भी पहले वेजिटेटिव फेज पहले सीजन में होता है, दूसरे सीजन में बेटा रिप्रोडक्टिव पीरियड आती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहले सीजन में वेजिटेटिव, दूसरे सीजन में रिप्रोडक्टिव, ये बाई एनुअल कहलाते हैं। इनमें भी क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज पाई जाती है। जो पेरिनियल्स होते हैं बेटा, इनमें हम लोग कहते हैं कई वर्षों तक वेजिटेटिव होती है, जो प्रत्येक वर्ष रिप्रोडक्टिव आती है, प्रत्येक वर्ष रिप्रोडक्टिव आती है, हर वर्ष रिप्रोडक्टिव आती है। इस प्रकार से पेरिनियल प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। उसमें बेटा जाओ क्या क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल देखो, देखो लिखा हुआ है मैरीगोल्ड मींस गेंदा, राइस वीट कैसे प्लांट है, एनुअल प्लांट, मैंगो कोकोनट कैसे प्लांट है, पेरिनियल्स। फिर एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है बेटा, उसमें देखो जरा सा कि पॉलीकार्पिक प्लांट्स किसे कहते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कई बार होते हुए हम पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। यहाँ पर एपिनियल्स, एनुअल्स और बायनुअल्स तीनों ही जो हैं वो कैसे प्लांट हैं, तो हम लोग कहेंगे मोनोकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक मतलब जिनमें एक ही बार फ्लावरिंग हो, एक ही बार फ्रूटिंग हो। बेटा पेज नंबर 9 पर ही आप अनयूजुअल फ्लोरिंग की बात करेंगे तो बैम्बू प्लांट का एक एग्जाम्पल आएगा। 3 से 4 क्वेश्चन उसमें बनेंगे। पहला, लाइफ स्पैन कितना होता है, 50 से 100 साल का होता है, कैसे प्लांट हैं, मोनोकार्पिक हैं, एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं और लार्ज नंबर में फ्रूट्स बनाने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। अनयूजुअल फ्लावरिंग में बेटा दूसरा एग्जाम्पल आएगा स्ट्रोबेरिथस कुंतियाना, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, नीला कुरंजी कहते हैं, दूसरा 12 वर्षों में एक बार फ्लावरिंग होती है, तीसरा लास्ट ईयर फ्लावरिंग 2018 में हुई थी, उससे पहले 2006 में हुई थी, किस प्रदेश में ये ग्रो करते हैं, तब आपके 3 ऑप्शन हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में।
उसके बाद बेटा वहां पर स्टेट्स का कलर कैसा हो जाता है, जनरली ब्लूइश हो जाता है, इनके फ्लावर्स ऐसे होते हैं। फिर बेटा रिप्रोडक्टिव फेज एनिमल्स में कहते हैं, एनिमल्स के केस में जब हम बात करते हैं जुवेनाइल फेज होती है, मॉर्फोलॉजिकल फेज होती है। जब रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचते हैं तो ध्यान से सुना बेटा, जब रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचते हैं उसमें फिजियोलॉजिकल चेंज भी होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी होते हैं और बिहेवियरल चेंज भी हो जाता है। फिर क्वेश्चन बेटा नीचे लिखा हुआ उसको जरा गौर से सुनिएगा कि फ्रॉग और लिजर्ड्स कैसे होते हैं, आप बताओगे सीजनल ब्रीडर होते हैं। फिर से बोलूंगा फ्रॉग और लिजर्ड्स कैसे होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन बेटा दूसरा बनेगा बर्ड्स कैसे होते हैं, तो बर्ड्स की दो कैटेगरीज बताई गई हैं। एक कैटेगरी में से हम लोग नेचुरल बर्ड्स कहेंगे, नेचुरल बर्ड को कैसा कहा गया है, वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। जबकि हम बात करेंगे बर्ड्स इन कैप्टिविटी, इन पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स कहेंगे, तो पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स होते हैं वो कंटिन्यूस ब्रीड करते हैं, उन वो जो एग होते हैं बेटा वो अनफर्टिलाइज होते हैं, उनका कमर्शियल यूज होता है, उनसे नए ऑफस्प्रिंग नहीं बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा कैप्टिविटी वाले में एक वर्ष में कई एग देंगे, वो एग्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो एग्स अनफर्टिलाइज होते हैं, उनका कमर्शियल यूज होता है, वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए है। फिर बेटा मैमल्स में क्वेश्चन आता है, तो मैमल्स में जब बात आती है तो मैमल्स की बेटा दो कैटेगरी बनाते हैं हम लोग, मैमल्स की दो कैटेगरी बनाते हैं, ठीक। हम अगर कहें तो हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, एक प्रोटोथीरियंस होते हैं बेटा, एक मेटाथीरियंस होते हैं, एक यूथीरियंस होते हैं। प्रोटोथीरियंस सब क्लास है, मेटाथीरियंस सब क्लास है, यूथीरियंस सब क्लास है। प्रोटोथीरिया की एक ऑर्डर होता है जिसे मोनोट्रीमेटा कहते हैं, मेटाथीरियंस का एक ऑर्डर होता है जिसे मार्सुपियल्स कहते हैं, यूथीरिया के 16 ऑर्डर होते हैं बेटा। ये ऑर्डर इंसेक्टिवोरा से शुरू होकर के प्राइमेट तक जाता है, ठीक है। तो इनकी दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी जो इनके अलावा होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, नॉन प्राइमेट्स कहलाते हैं। यूथीरियंस कैसे होते हैं, तो यूथीरिया ये एग लेइंग होते हैं, अल्प विकसित बच्चे देते हैं, ये विकसित बच्चों को डेवलप करते हैं। इनमें दो कैटेगरीज बेटा प्राइमेट्स होंगे, इसमें ईस्टर साइकिल होती है, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक। ये डिफरेंसेस यहां पर पूछा जाता है, काउ शीप रैट डियर डॉग टाइगर ये सब ईस्टर साइकिल में आते हैं, मंकी एप ह्यूमन ये सब प्राइमेट्स हैं, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। सीजनल ब्रीडर्स के बाद बेटा एक कंटिन्यूस ब्रीडर का एग्जांपल है, बहुत से यूथीरियन पूरे वर्ष रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें एग्जांपल है ह्यूमन बुल हॉर्स और लायन। ये पेज आपका बेटा खत्म हो जाता है, फिर पेज नंबर 10 पर हम लोग पहुंचते हैं। पेज नंबर 10 पर जाएंगे, ओल्ड एज का थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ओल्ड एज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। तो रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव फेज जब खत्म हो जाती है तब सेंसेशन और ओल्ड एज आती है। इस समय बेटा जो चेंज आता है वो कौन सा होता है, मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है, अल्टीमेटली डेथ होती है। फिर बेटा ट्रांजिशन फेज पर एक क्वेश्चन है, जरा पेज नंबर 9-10 पर देखना, ट्रांजिशन फेज किसे कहते हैं, किन में पाई जाती है। ट्रांजिशन फेज जो होती है वो प्लांट में भी है, एनिमल्स में भी है। ट्रांजिशन फेज जो होती है हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। तीन फेजेस होते हैं, फंडामेंटल सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से सब बिहेवियरल एक्सप्रेशन इसमें आता है। ट्रांजिशन फेज किन में होती है आप बताओगे,
प्लांट में भी होगी, एनिमल्स में भी होगी। तीन फेजेस होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव। फिर बेटा हम सब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, ये छोटा वीडियो है, दूसरा वीडियो इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, थैंक यू।